मोदी सरकार के कामकाज और बीजेपी के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व संगठन महासचिव केएन गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी, एक अजब स्थिति में बीजेपी दिख रही है। चार बड़ी महिला नेताओं के खिलाफ लगातार आरोप लग रहे हैं, प्रधानमंत्री मौन हैं, उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे आप हालात को? मैं मानता हूँ कि नैतिक शक्ति में कहीं कुछ कमी आई है और अभी भी बहुत अरमान से भारत की जनता ने एक पहली बार गैर कांग्रेसी नेता और गैर कांग्रेसी दल को अपने बल पर पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में भेजा है, तो उम्मीदें बहुत हैं। इसलिए अभी की सरकार और सरकार चलाने वाली पार्टी, इन दोनों को इस जिम्मेदारी का एहसास हो और उसके अनुसार वो अपने को सिद्ध करें, ये वक्त का तकाजा है। लगातार कहा गया था चुनाव प्रचार के दौरान, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई अच्छे दिन जनता के हिसाब से आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो संभावना कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो हमेशा आशावादी हूँ, संभावनाएं भी देखता हूँ। जनादेश 5 वर्ष के लिए मिला है, ठीक है, पहले वर्ष में कुछ सीख समझ लें, ये भी ठीक है, इसके बाद ही क्यों न हो कदम उठाएं। तो इनको तो बहुत अच्छा मौका है, जैसे बड़ी लकीर खींचने का, जीरो टॉलरेंस की बात कहा था, तो सबसे अलग हैं और इसी उद्देश्य से जनता ने भेजा भी है, तो क्या हर्ज है कि नैतिक आधार पर ये लोग इस्तीफा देते, जांच होती, निर्दोष सिद्ध होते, वापस आते। वो ज़्यादा बेहतर कदम होता, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में होने के कारण इनकी ही जिम्मेदारी है कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी बताने के लिए, सरोकार बताने के लिए वो पहल करते। तो ये तो ठीक है कि कांग्रेस जो है विपक्ष कमज़ोर है, साखहीन है, जनता के द्वारा दंडित हो चुकी है और भ्रष्टाचार आदि विषयों पर वो कुछ कहें ऐसी उनकी स्थिति ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की भी वैसी स्थिति हो गई दुर्भाग्य से कि कई विधायकों के फर्जी डिग्री के बारे में सवाल उठ गए। तो मैं तो चाहता था कि ये सभी राजनीतिक दल समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने अपने पार्टी के अंदर एक्शन लेते, ऐसे लोगों को निलंबित करते, जांच बिठाते। अब ये करते नहीं हैं तो सत्ताधारी दल की इसमें पहल करने की भूमिका बनती है। चार नेता जो मैंने जिक्र किया, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया और पंकजा मुंडे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। चारों को जिस तरह बचाया है पार्टी ने, जिस तरह की दलीलें दी हैं, आपको लगता है कि उससे गलत संदेश गया है, पार्टी की साख खराब हुई है? बेहतर होता, जैसा आपने भी कहा, कि चारों को स्टेप डाउन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए था? मैं चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर एक बार सुझाव भी आया था आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था होना, जिसमें कोर्ट तक जाने की बात ही ना हो। अभी भी मैंने जैसा सुना स्मृति ईरानी का केस कोर्ट में सुनवाई के लिए एडमिट हुआ, बाकी हुआ, क्या ज़रूरत है ये सब? पार्टी अपनी ओर से ही एक नैतिक अधिष्ठान पर खड़े होकर फैसला ले सकती है, सबको संभाला जा सकता है। उसके लिए इच्छा शक्ति की कहीं कमी है क्या? ऐसा लगने लगा है कि सत्ता ही सर्वस्व है। सत्ता तो आती जाती रहती है, पार्टी को लंबी दूरी तक चलना है, खासकर उसका जो ध्येयवाद और आदर्शवाद का गुमान रखती हो। इसलिए उनको तो चाहिए कि पार्टी के स्तर पर वो इस दिशा में आगे बढ़ते और पार्टी के ही ओर से सांसद, सांसदों की ओर से प्रधानमंत्री, वो भी इस विषय में पहल करें तो बहुत ठीक रहेगा, थोड़ा साहस करें। आपका इशारा है कि शायद प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कार्रवाई का, लेकिन आपने जो साहस की बात की, प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि लगातार रोज़ वो बहुत सारे ट्वीट करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं जिन मुद्दों पर, लेकिन इस विवाद पर पूरी तरह से चुप हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि इन सारी स्थितियों में तात्कालिक तौर पर क्या करना ठीक रहेगा, राजनीतिक दृष्टि से ठीक उचित क्या रहेगा, लेकिन हाँ, सिद्धांततः भी क्या ठीक रहेगा। वो उहापोह में हैं इसलिए चुप है, ऐसा हमें लगता है। सोच जरूर रहे होंगे, चिंतित भी हो रहे होंगे, और जैसा उनका स्वभाव है वो सही दिशा में पहल करने में हिचकने वाले आदमी भी नहीं हैं। इसलिए देश भी इंतज़ार कर रहा है कि मौन टूटना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। मौन टूटना चाहिए, लेकिन गोविंदाचार्य जी, हैरानी होती है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यही बीजेपी उनसे कहती थी मनमोहन नहीं, वो मौनमोहन है, निशाना लगाती थी, और अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कहा जाता कि 56 इंच का सीना, और अब वो इस तरह खुद मौन है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बोलने से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ये उन्हें समझ में आ रहा होगा। और मैं तो मानता हूँ कि कार्रवाई की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कार्रवाई के बाद काम ही ऐसा हो जो बोले, मौन हो तो कोई हर्ज नहीं, काम बोलना चाहिए। अच्छी बात आपने कही, काम बोलना चाहिए। गोविंदाचार्य जी, बीजेपी में बदलते वक्त के साथ, आपने तो बहुत लंबे समय तक वहाँ की सियासत को जिया है और देखा है, मूल्यों में गिरावट आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पीढ़ी का बदलाव हुआ है। अभी देखिए ना, जैसे अभी ये केस वसुंधरा राजे श्रीमती सुषमा स्वराज आदि का आया है ना भैया, इसी से मिलता जुलता केस, बहुत छोटा सा ही हवाला वाला विषय था। अडवाणी जी ने खुद होकर इस्तीफा दिया था, और बाद में यशवंत सिन्हा ने कहा था कि मैं भी इस्तीफा देता हूँ, मदनलाल खुराना ने कहा मैं भी इस्तीफा देता हूँ, तो अडवाणी ने उन दोनों को मना किया कि नहीं नहीं आप लोग मत दीजिए, हाथी के पाँव में सबका पैर, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के नाते मैं कर रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये है नैतिक पेशकश, जो 1993-95 की बात है। तो जब वो मैं देखता हूँ और ये देखता हूँ, ऐसी कोई भी समस्या आ गई, हवाला की बात मान लो समस्या ही आ गई, तो तुरंत बैठक पार्टी के पदाधिकारियों की और कार्य समिति के वे सदस्य जो दिल्ली में स्थित हैं, इनकी तुरंत बैठक हुई। उसमें ये तय हुआ, अडवाणी जी ने ही पेशकश की तो लोगों ने मान लिया कि हाँ ठीक है। ये जो आपसी विश्वास, संवाद और निर्णय में सहभागिता का तो आभास हो, तो उससे बात अच्छी होगी, दूर तक जाएगी और पार्टी देर तक सब चीज़ों का ठीक ढंग से सामना करने के लिए होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपने आडवाणी जी का जिक्र किया, आडवाणी जी और तमाम ऐसे नेता जो बुजुर्ग नेता हैं, तजुर्बेकार नेता हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं अब बहुत हाशिए पर डाल दिए गए हैं। मार्गदर्शक मंडल जो बनाया है, मूक दर्शक की तरह उसमें लोग हैं, कैसे देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों का जहां लोग आशीर्वाद लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, वो सबके सब एक तस्वीर में नहीं है। मैं मानता हूं कि उम्र स्वयं में कोई बाधक तत्व नहीं है। मैंने तो देखा है अडवाणी जी से या यशवंत सिन्हा से या मुरली मनोहर जोशी से, कम उम्र वाले उनसे कम मेहनत करने की स्थिति में है, शारीरिक दृष्टि से वे स्वस्थ कम हैं, ये लोग स्वास्थ्य, इनका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है। इसलिए बात तो मस्तिष्क ठीक चेतन है या नहीं, उसी प्रकार शरीर काम लायक है, मेहनत करने लायक है नहीं, ये प्रमुख होना चाहिए। दूसरी बात, अनुभव का पर्याय नहीं होता, इसलिए जैसे बिहार में बाकी जगह पर शादी में कोई बूढ़ा आदमी साथ चले, लोग हमेशा ये चाहेंगे भले ही वो वहाँ बैठा रहे, समय पर कोई न कोई बात वो कहेगा जो हित की होगी। वैसे ही अमेरिका में आप देखिए, पुराने राष्ट्रपतियों को किनारे कहाँ किया गया है, कार्टर तो अभी भी दुनिया घूमते हैं कई जगह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। उसी तरह से पार्टी के बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिले, स्नेह मिले, और छोटे बड़ों का आदर करें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें, यही संगठन की स्वस्थ स्थिति है। लेकिन अभी हाल ही में यशवंत सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल से ऊपर के जो ज़्यादातर लोग हैं पार्टी के, ब्रेन डेड कर दिया है। ये तो उनकी अपनी पीड़ा वो बयां कर रहे हैं, और मैं तो मानता हूँ कि नहीं, सबके लिए काम हो सकता है, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये संगठन शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए कोई भी अपने को बिना काम का महसूस ना करे, और कोई बहुत से काम ऐसे हैं जो छूटे पड़े हैं, जो बैठे बैठे भी बहुत हो सकते हैं, ये तो पार्टी के लोगों को विचार इसका करना चाहिए। नहीं तो पार्टी ऐसे बहुत अच्छे अनुभवी लोगों के योगदान से वंचित रहेगी, ये पार्टी का घाटा है इसमें, और फिलहाल वंचित दिख भी रही है। जैसा आपने कहा कि आदर सम्मान का भाव हो बुज़ुर्गों के लिए, और सलाह मशवरा भी नहीं देखा जा रहा है कि उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है किसी प्रक्रिया में, और जो मंत्री हैं उनसे बड़े बुजुर्ग नेता अगर ऐसे हैं जो उस मंत्रालय में पहले रह चुके हैं, उनसे भी बात हो सकती है, सुझावों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही पार्टी और सरकार में। बहुत अच्छी बात है, ऐसे पूर्व मंत्री हैं, बहुत पुरानी जिम्मेदारी लिए हुए लोग हैं, तो इसको कहेंगे ना इन हाउस टैलेंट, इन हाउस एक्सपीरियंस, इसका ठीक ढंग से संजोना ये संभव है, करना चाहिए, और पार्टी के लोग सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा। बार बार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, विकास की बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जो उनकी हिंदुत्व की लकीर है उससे जुड़ी जो बयानबाजी होती है, चाहे वो साक्षी महाराज हों, गिरिराज सिंह हों, या और भी नेता ऐसे हैं विवादित बयान देते रहते हैं, ये विरोधाभास किस तरह आप देखते हैं कि वाकई पार्टी हिंदुत्व की लकीर पर चलना चाहती है या मोदी जी उससे आगे बढ़ गए हैं और सिर्फ विकास की तरफ देख रहे हैं?
नहीं, यही बात है। देखिए, पार्टी को इस बार जो जनादेश मिला उसमें तीन हिस्से कहे जा सकते हैं। एक है पारंपरिक संघ परिवार आदि का वोट बैंक का हिस्सा, दूसरा है जो पुरानी सरकार से उकताए हुए थे इसलिए विरोध में थे, और तीसरा है जो बहुत अपेक्षाएं पाल रखे थे, रोजगार का ही सपना क्यों ना हो, स्मार्ट सिटीज़ का ही सपना क्यों ना हो, मेक इन इंडिया का ही सपना क्यों ना हो, ऐसे तीन सेक्शंस हैं। तो जब पार्टी में भरपूर संवाद रहता है, सौमनस्य रहता है, तो स्वयं ही सब सांसद से लिखे लोगों को समझ में आता है क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। संवाद की कमी के कारण हर कोई कुछ हमें बोलना चाहिए की स्थिति में आ जाता है, और इस पर फिर अनावश्यक नियंत्रण करने की ज़रूरत पड़ती है। तो नहीं बोले तो विचारधारा नहीं ठीक है कहेंगे, बोल दिए तो विचारधारा में अतिवाद हो रहा है कहेंगे। इन सब का मूल कारण मैं फिर यही कहूँगा कि सांसदों को लगे कि निर्णय में हमारी सहभागिता है, मंत्रियों को लगे हमारे निर्णय में सहभागिता है, पुराने कार्यकर्ताओं को लगे हमारे निर्णय में सहभागिता है, तो उससे जो एक मन बनेगा तो एक वाच्यता भी बनेगी और वही पार्टी के हित में होगा। क्या सर आपका इशारा ये है कि पहले जो संवाद होता था उसके बाद सहमति और फैसले होते थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड और तमाम जो संस्थाएं थी पार्टी के अंदर की बॉडी थी, क्या अब वहां से कल्चर बदल के इस मोड़ पे आ गई है कि फैसला जो भी होना अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मिलकर लेना है? पता नहीं वहाँ किस लेवल पर फैसले होते हैं ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पार्टी फंक्शनिंग के लिए बहुत से सांसद या कार्य समिति के सदस्य या संगठन मंत्री कई आते हैं, मिलते हैं। उनसे जो मालूम पड़ता है कि नियमित बैठकें, सबका इन्वॉल्वमेंट, सबसे संवाद, उनको भी कुछ बोलने कहने का मौका मिलना, सवाल होना और उसमें असहमति को विरोध नहीं माना जाना, हम कुछ अलग बोल देंगे तो ऐसा न हो कि हमारे करियर पर निशान लगे, ऐसी अनावश्यक चेतनाओं का भी उभार लगता है। जब ऐसा होता है ना तो फिर चापलूसी उसी में से प्रवेश करती है। मैं क्यों बुरा बनूं, जवन तुहार गति तवन हमार गति, तुम्हारी भी जैसी गति होगी देखेंगे। ऐसे में आदमी झटकने लगता है जिम्मेदारियों को, काम को, वो अच्छी स्थिति नहीं है। बदलती हुई स्थिति में जो बीजेपी बदली है, बीजेपी का रंग रूप जो बदला है, इच्छा शक्ति की आपने बात की, राम मंदिर मुद्दे के सहारे और जो अभियान चला था, बीजेपी का फैलाव हुआ, बीजेपी का प्रसार हुआ, मौजूदा दौर में जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, क्या इतनी इच्छा शक्ति आप देखते हैं कि वाकई वो राम मंदिर बना पाएंगे तो जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं? अभी तो कह चुके हैं कि हमको 340 या 370 सीटें चाहिए, ऐसा वो कह चुके हैं। इससे अंदाज लगता है कि उनका मानस अभी पक्का बना नहीं है, भले ही विश्व हिंदू परिषद आदि ने अपना मानस अभी बताया हो, उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं विश्व हिंदू परिषद के कई लोगों ने। इससे भी ज़्यादा नाजुक, देश के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा वो कश्मीर का है। उस कश्मीर के मुद्दे में मुझे तो डर है कि कहीं मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण फिर न हो जाए, अगस्त आ रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं की मानसिकता ये है, वो कह रहे हैं कि अरे भाई पाकिस्तान का झंडा लहरा है जा रहा है कश्मीर घाटी में, तो क्या है, वो तो होता ही रहता है। इतने हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। ISIS पड़ोस में ही है, ISI पड़ोस में ही है, अनुभव ऐसा ही रहा है। 25 साल पहले वहाँ से कई लोग निकाले जा चुके हैं, हिंसा आतंक का माहौल और व्यवस्थाएं वहाँ हैं। इन सब के बारे में आप दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के समूहों की मिलकर सरकार चला रहे हैं, उस सरकार में भी झुनझुना थमा दिया है आपको उप मुख्यमंत्री के नाते, आप कुछ करने की स्थिति में बहुत नहीं है क्योंकि पावर्स तो मुख्यमंत्री के पास होते हैं सारे रेसिडुअल। तो ऐसी स्थिति में अगस्त आते आते कहीं आतंकवाद की घटना में बढ़ोतरी, पाकिस्तानी झंडे लहराने या तिरंगे का अपमान करने की घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो भारत सरकार के आगे समस्या आएगी उसे ठीक ढंग से निपटने की। उस निपटने में अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी सामने आएंगे तो स्थिति और कठिन होगी। जैसा आपने कहा कि विरोधाभासी गठबंधन हुआ है पार्टियों का, बीजेपी भी इस बात को स्वीकारती है लेकिन कहती है कि जनता के हक में और एक सरकार चुनी हुई वहां बने इसलिए ऐसा गठबंधन किया गया। लेकिन आपको लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ गठबंधन करना बीजेपी के लिए घातक होगा? सरकार बनाना स्वयं में कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। सरकार बनने पर हमको ये हासिल करना है, ये उद्देश्य होगा, सरकार उसका माध्यम होगी।
लाल बत्ती की गाड़ी घूमना स्वयं में उद्देश्य नहीं हो सकता। आज जो जम्मू कश्मीर की स्थितियाँ थी, आपने इतनी दिन लगाए, दिल्ली के पिछली बार की सरकार बनने में कितने दिन लगे थे, बहुत दिन लगा दिया आपने, तो क्या हर्ष था जम्मू कश्मीर भी इंतज़ार करने का। ऐसी स्थिति में उनके हाथ में हथियार देकर खुद निहत्ते बनकर एकात्मता हम करेंगे, अखंडता करेंगे, ये बोलना, इससे कैसे काम चलेगा। सरकारों के लिए सामर्थ्य भी एक उपकरण है, और आपने हथियार उनके हाथ में दे दिया और आप सोच रहे कि सब भला हो जाएगा, ऐसा भला दुनिया में नहीं हुआ करता है। सर एक सवाल ये जानना चाह रहे थे फिर से एक बार, एक आम नागरिक की हैसियत से आपको अच्छे दिन लगते हैं कि सरकार बनी मोदी जी को अच्छे दिन का एहसास हो रहा है? नहीं, अच्छे दिन आएंगे का भरोसा अभी भी बहुत अंश बना हुआ है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तथ्य का पर्याय माहौल या छवि निर्माण नहीं हो सकता, अभी वो सारी बातें ज़मीन पर उतरनी है। लोगों को भरी उम्मीदें हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, अभी आशा नहीं खोई है। हाँ, एक तबका है जो ज़्यादा निराश, एक तबका है कुछ क्षुब्ध सा है, एक तबका है अभी प्रश्न उसके दिमाग में खड़े हुए कि क्या होगा, ऐसा बटा हुआ मानस है जनता का इस विषय में। सर आखिरी सवाल आपसे, जो भी विवाद हुआ सुषमा स्वराज को लेके, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया को लेके, पार्टी जब दावा करती थी लंबे समय से कि चाल चरित्र चेहरा सबसे अलग हैं, जीरो टॉलरेंस की बात होती थी, लगता है कि तमाम मामलों से पार्टी की छवि बेहद ख़राब हुई है? इतना तो साफ लगता है कि जो कार्यकर्ता हैं वही समझा नहीं पा रहे हैं। चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मसला हो तो लोग पूछ बैठते हैं कि भाई अध्यादेश लाने की कौन ज़रूरत थी, कौन ऐसी इमरजेंसी थी और उससे हासिल क्या हुआ, तो कुछ नहीं बता पा रहे। जम्मू कश्मीर के बारे में पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो नहीं बता पा रहे। लोग पूछते राम जन्मभूमि का मसले पर अधिक आप अध्यादेश नहीं ला सकते थे, ज़मीन के बारे में ला सकते थे, इसमें कौन सा दोहरापन है। ऐसे बहुत से सवाल में कार्यकर्ता उत्तर देने में सहज अपने को नहीं पा रहे हैं, ये तो कहा जाएगा। और इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी आलाकमान? आलाकमान वहाँ कोई चीज़ होती नहीं। मैं मानता हूँ कि पार्टी का अगर कोई सामूहिक नेतृत्व होगा तो वो सामूहिक नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। एक सवाल ये ज़रूर उठता है मन में कि संघ की छाया में पली बढ़ी है बीजेपी, और अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब एक चीज़ देखी गई थी कि संघ की पकड़ ढीली हो गई थी पार्टी पे, क्या वो स्थिति अब आप फिर से देख रहे हैं कि संघ की पकड़ क्या पहले की तरह मजबूत है, या वाकई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह अध्यक्ष बने हैं, पकड़ ढीली हुई है? मैंने इस पर अभी गौर नहीं किया, और संघ के लोग तो सब बातों पर नज़र रखते ही हैं, वो कुछ सोच रहे होंगे, और अभी तो सभी लोग ग्रीष्मकालीन शिविरों में व्यस्त होंगे। मेरा ख्याल है कि वो सब बातों का जायज़ा जुलाई महीने में जब वो लोग आपस में बैठते हैं कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोविंदाचार्य जी का कहना है कि बीजेपी के सामने एक मौका था बड़ी लकीर खींचने का, मामला चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया का हो, चाहे सुषमा स्वराज का हो, स्मृति ईरानी का हो, या फिर पंकजा मुंडे का हो। गोविंदाचार्य जी का कहना है कि इन लोगों से इस्तीफे लिए जा सकते थे, पद से हटाया जा सकता था, और जाँच की जाती, जाँच के बाद अगर निर्दोष होते तो फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन बीजेपी उदारता दिखाने में या कहीं ना कहीं सही संदेश देने में चूक गई। जहां तक पार्टी के भीतर लोकतंत्र की बात है, गोविंदाचार्य जी का कहना है कि जो कार्यकर्ता हैं वो शायद हताश भी हैं और कन्फ्यूज़न में हैं, भ्रम की स्थिति में हैं, वो नहीं समझा पा रहे हैं जनता को कि सरकार या बीजेपी का जो दिशा है, जो दशा है, कामकाज का जो तरीका है, वो किस दिशा में जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर फिलहाल बीजेपी हो या सरकार, उनके फैसले, उनकी सियासत उलझाव भरी दिखती है। कैमरामैन मनमीत के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, फोकस न्यूज़, दिल्ली।